हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। नहीं हो तो हैप्पी रखें खुद को। तो चलिए चेक करते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो आज सुबह वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, और आज के दिन आप दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है, क्या चांसेस है होने का। सोचिएगा आपके पार्टनर के बारे में, उनको अपने मन में रखें, क्या है उनकी फीलिंग्स आज मॉर्निंग में आपको लेकर। ओके, मुझे वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आप इन्होंने आपसे फाइट किया है, मिसबिहेव किया है, या डिसरिस्पेक्ट किया है, या डिसवैल्यू किया है, या आपको कंफ्यूज करके रखा है। ठीक है, आपके साइड से कुछ बहुत ही अच्छी एनर्जी नहीं मिल रहा है, आपके साइड से कंफ्यूजिंग वाला एनर्जी मिल रहा है। शायद आप इनको अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हो, या तो आप कंफ्यूज हो। आपके तरफ से किसी तरह के शाइन के इंतज़ार में मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए इन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया है, या आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, और अब इनको बेसब्री से इंतज़ार है कि आप कब आओगे, आप कब इनको कांटेक्ट करोगे, आप कब आप दोनों के बीच दूरियों को मिटाओगे, ये जो दूरियां आ गए हैं उसको कब मिटाओगे आप। ठीक है, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है कहीं पर, तो किसी भी थ्रू आप इन तक पहुंचो, इनको कांटेक्ट करो, इनको चेज करो, ये इनका सोच मुझे दिखाई दे रहा है। बट शायद आप ही कन्फ्यूज हो गए हो, आपको नहीं पता है कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, या ये व्यक्ति के साइड से ये शो करा भी नहीं रहे हैं कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, कह तो नहीं रहे हैं। और इनको देखकर या इनके एक्शंस को देखकर, इनके बिहेवियर को देखकर भी आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो, आपको नहीं पता कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होगा, या ये आपको चाहते भी हैं कि नहीं, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। जो आप इनके बारे में सोचते हो वही आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं, आप कन्फ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हो, और कन्फ्यूज इन्होंने खुद आपको किया है। ठीक है, तो ये सब मुझे एनर्जी दिखाई दिया आप दोनों के बीच, ये व्यक्ति आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिस भी थ्रू हो सके ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनको आप पर गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि गॉसिप हो रही है आप दोनों के बारे में। ठीक है, आप सुन रहे हो, आप कुछ नहीं कह रहे हो, या इनके बारे में किसी ने कुछ कहा है तो आपने इनकार कर दिया, या आपने ऐसा दिखाया कि आप इनको जानते ही नहीं हो, या आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, आपने शायद किसी को ऐसा बोला है, या आपके पार्टनर के बारे में कोई बातें कर रहे थे पर आपने कुछ नहीं कहा। आपके पार्टनर को आप पर डाउट हो रहे हैं, किसी वजह से आपके पार्टनर मुझे आपसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये है कि आप बात नहीं कर रहे हो, आपको इंतज़ार कर रहे हैं, आप इनको इंतज़ार करा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, और दूसरा इनको ये लग रहा है कि शायद आप किसी और के टच में हो, कांटेक्ट में हो, किसी और से अट्रैक्ट हो रहे हो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, कि आप इनको चीट कर रहे हो, इनको धोखा दे रहे हो, इनसे भाग रहे हो। हो सकता है कि शादी को लेकर कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, या तो ये व्यक्ति सुन रहे हैं, आप दोनों एक ही कॉलेज से हो सकते हो, या एक ही वर्क प्लेस से हो सकते हो, या टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच, कि आप दोनों प्यार में पड़ गए, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा सीन भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हो। ठीक है, आप धोखा दे रहे हो, आप इनके साथ ऑनेस्ट नहीं हो, ये आपके पार्टनर का सोच मुझे दिखाई दे रहा है आपको लेकर। और क्या है इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, रिसेंटली इनको आपके बारे में किसी तरह का न्यूज मिला है, और उस न्यूज को सुनकर ये मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है कि ऑलरेडी बातें कर रहे हैं आपसे, जुड़ना चाहते हैं आपसे इमोशनली। और क्या है इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स बताएं मुझे। ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल आप दिखा रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट हो, ये ज़िंदगी को जीने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में ही इनफ हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपने कोई मुकाम हासिल किया है, आप शाइन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो आपके करियर में, अपनी लाइफ में, ये चीज़ इनको देखी नहीं जा रही है। ठीक है, इनकी फीलिंग्स ऐसा है, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच दुनिया हैं, आपके लाइफ में नहीं हैं, तो आप स्टक रहो, आप ठहरे रहो, आप इनके ही बन कर रहो, इनके बिना आप कैसे खुश रह सकते हो, आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। क्या आपको कोई गम नहीं है, क्या आपको हर्ट नहीं होता इस दुनिया से, इस नो कॉन्टैक्ट से, जिस तरह से ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, या आपको लेकर जितने स्ट्रेस में हैं, क्या उतने स्ट्रेस में आप भी हो, ये सब इनके मन में चल रहा है। आज के दिन क्या कुछ हो सकता है, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए, यूनिवर्स बताएं मुझे क्या हो सकते हैं इनके पार्टनर के एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए। कोई एक्शन मुझे नहीं दिखाई दिया है, डिले होगी इनके एक्शन में, इनके तरफ से एक्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ये कभी ना कभी एक्शन ज़रूर लेंगे, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये डिले करेंगे। ठीक है, काफ़ी वेट कराएंगे आपको, अगर इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वर्कलोड है, इनकी लाइफ में अलग ही स्ट्रगल है, ये आपको कुछ ऑफर करेंगे, आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि लेट लगेगा, आसानी से या बहुत जल्दी आपके लाइफ में आ रहे हैं, ऐसा कुछ मैं नहीं देख पा रही हूँ। हाँ, आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, बीच में आपसे मीटिंग कर सकते हैं, बट अगर आप कुछ बड़ा ऑफर चाहते हो इनके साइड से, तो उसके लिए देरी लगेगी। ठीक है, आज के दिन क्या हो सकता है इनके एक्शन, यूनिवर्स बताएं मुझे क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के एक्शन। मुझे इंतज़ार दिखाई दिया है, ये व्यक्ति इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ कर रहे हैं मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। उम्मीद आपसे कर रहे हैं कि आप इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो, आप क्लोज आओ, आप करीब आओ, आप इनके पास आओ, ये इनका सोच है। ठीक है, क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच, क्या चांसेस है होने का, यूनिवर्स बताएं मुझे क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर इनके बीच। फिर से मुझे इंतज़ार दिखाई दिया है, आपकी लव लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर आएगी, या आपके लवर के साथ आपकी यूनियन होगी, आपके ट्रू पार्टनर के साथ, आपके डिस्टेंट पार्टनर के साथ, जो आपकी किस्मत में है, या जिनके साथ आपके बच्चे हैं, ऑलरेडी हैं या तो होंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच आपकी यूनियन ज़रूर होगी, आपकी लव लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी, आप दोनों के कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है ये, मैरिज होगी इनके साथ आपकी, पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर उसके लिए डिले है। ठीक है, आज ही हो रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट सिर्फ 5% लोगों के लिए। ठीक है, बाकियों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कन्फ्यूज़न है, नो कॉन्टैक्ट है, समझ नहीं आ रही है, ऑप्शंस है, या दूरी बना रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट खुद कर रहे हैं, दूरियां का कारण ये खुद ही हैं। ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, या एक पर्सन काफ़ी इमोशनल हो रहा है, दूसरे वाले पर्सन को कुछ पड़ी ही नहीं है, वो खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, वो खुद दूरी बना रहे हैं, या रिश्ते के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो इंतज़ार मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, कुछ लोगों को आपको किसी तरह का गुड न्यूज दे सकते हैं आपके पार्टनर, और कुछ लोग लिए ऐसा लग रहा है कि अगर इनको डिसीजन लेना है या इनके पास ऑप्शंस है, फैसला इनके हाथों में है,
इन्हीं को एक्शन लेने हैं। आपकी लव लाइफ का मास्टर अगर ये हैं तो ऐसा लग रहा है कि जब ये चाहेंगे तब आपका यूनियन होगा, इनकी मर्जी चलेगी। ठीक है, इनको एक्शन लेना होगा, ये एक्शन लेंगे तभी आप दोनों के बीच दूरियां ख़त्म होगी, मिटेगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई एक पर्सन तो खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, खुद दूरियां बना रहे हैं। और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स? आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या है आपका मैसेज? ओके, आपको कुछ ऑफर मिलेगा करियर को लेकर, हो सकता है रिश्ते में भी आपको ऑफर मिल सकता है। ठीक है, तो मैसेज आपके लिए यही आ रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, जो भी आपको डिसीजन लेना है, किसी पर्सन का ऑफर आ रहा है आपको, कोई पर्सन आपको ऑफर कर रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, या करियर में आपको ऑफर मिल रहा है, या फ्रेंडशिप का प्रपोजल आ रहा है, लव का प्रपोजल है, चाहे आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। किसी के साथ बहस हो सकती है, बहस से बचें। ठीक है, ओके। आप अलोन फील कर सकते हो, सैड फील कर सकते हो अचानक से, या आपके रिश्ते को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, आपकी शादी को लेकर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस मिल सकता है, या किसी टीचर को लेकर, या किसी का बर्ताव आपको हर्ट कर सकता है। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाएं आप। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और किसी से लड़ने झगड़ने से बचें। वो नहीं सही होगा आपके लिए। ठीक है, आप शांत रहें और पॉजिटिव रहें। और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? ओके, ऐसा लग रहा है किसी पावरफुल पर्सन की नज़र आप पर है। ठीक है, वो काफ़ी वर्कोहोलिक हैं, इंडिपेंडेंट हैं, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी की नज़र आप पर है, कोई बात करना चाहते हैं, कई लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी मिल रही है। उसके अलावा कुछ कोई ऐसे पर्सन भी हैं जो कि एज में आपसे छोटे हैं, वही किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी मिली है जो आपसे एज में बड़े हैं, जो काफ़ी पावरफुल हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, वो अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल हैं, वो भी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, मौका तलाश रहे हैं कि उनको जब लगेगा कि ये राइट टाइम है, उनको आपसे बात करनी चाहिए या आपको ऑफर करनी चाहिए, तब वो व्यक्ति करेंगे। ठीक है, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये तो आप इनके बॉस हो, पर ऐसा लग रहा है कि ये आपसे ज़्यादा पावरफुल मुझे लग रहे हैं, ये आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ये इनके पास नेम है, फेम है, ये एक से ज़्यादा वर्क करते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। इन्होंने काफ़ी ऊंचा मुकाम हासिल किया हुआ है, तो कोई ऐसे पर्सन भी आपको आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, उनकी नज़र आप पर है। और क्या आ रहा है आपके लिए मैसेज? यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए? कोई आ रहा है आपकी ओर पर, उनको आने में लेट लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति आपके डेस्टिनी में है, आकर रहेंगे, ये जो भी हो रहे आज आपकी लाइफ में, किस्मत में लिखा है वही हो रहा है। ठीक है, बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आज आप खुद को अलोन पा रहे हो, तन्हा पा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, आखिर खुशियाँ कब आएगी, हैप्पीनेस कब आएगी, या मुझे सुकून कब मिलेगी, कब वो दिन आएगा जब मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे हासिल होगा, तो बहुत जल्द होगा, डोंट वरी। आप कहीं पर शिफ्ट हो सकते हो, या पर ट्रांसफ़र हो सकता है, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो खुद को, बहुत कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके खुद में भी काफ़ी चेंजेस आएगी और आपकी लाइफ में, ये लव लाइफ में भी एक बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है, बदलाव आ रही है, किसी तरह का कंप्लीशन हो रहा है आपकी लाइफ में।
गुड चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको पेशेंस रखना होगा, अगर आज कुछ सही नहीं चल रहा आपकी लाइफ में या आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रगल भर रहा है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, ये कर रही हूँ मैं, अगर ये आपकी एनर्जी है तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, सब कुछ चेंज होगा, किस्मत आपके फेवर में होगी। तो ये सब मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना, हैव अ गुड डे।